हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अब आज हम आपकी आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उम्मीद है आपने कल का वर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेट डालनी है 21 अप्रैल 2020, और सब्जेक्ट हमारा हिंदी। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इस कविता को लिखो तथा याद भी करो। अब ये कविता है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं है इसीलिए मैं आपको लिख के यहाँ पर बता रही हूँ। ये आपकी नई क्लास की बुक में कविता है। मैं कविता पढ़ के बताती हूँ। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक भिनोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ये आपकी 8 लाइन की कविता है, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी भी है और लिखने के बाद में आपको याद भी करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। वो है संज्ञा की परिभाषा याद करके लिखो। आपको मैं यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा बताती हूँ। वैसे तो आपने थोड़ी सी तो पहली क्लास में याद करी ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आपको ये पहले याद करनी है, उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखनी है। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, मेज, किताब, आगरा आदि। अब ये आपको पहले याद करनी है और फिर अपनी नोटबुक में लिखनी है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्न प्रश्नों को याद करके लिखो। यहाँ पे मैं 2 प्रश्न देती हूँ आपको, जिनको आपको याद करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा बतानी है यहाँ पे हमको। उत्तर हमारा, भाषा 3 प्रकार की होती है। लिखित भाषा, जिसको हम लिखकर बताते हैं, मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलते हैं, सांकेतिक भाषा जो हम इशारे करके अपनी बात को बताते हैं। तो इस तरीके से हमारी भाषा 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो यह था बच्चों आज का काम आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब आपको ये सारा वर्क आपको आज अपनी नोटबुक में करना है और याद भी करना है। कल के लिए हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।